हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। तो आज देवान जी मतलब स्कूल से पिकनिक गया है, तो इसलिए वो सुबह सुबह उठा है। बाकी दिन उठने में थोड़ा टाइम लगाता है, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। तो टिफिन वगैरह दिया ही नहीं, बस खाली दूध पी के गया है और बिस्किट वगैरह लेके गया है स्कूल से ही। मतलब जहाँ जाएगा वहाँ से ही मतलब लंच वगैरह मिल जाएगा उसको। और बाकी बैग मतलब लेके गया है ना, पानी का बोतल वगैरह, तो बैग बुक्स वगैरह सब नीचे गिरा, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है टेबल में, तो मैं थोड़ा ठीक करके रख रही हूँ। और बाकी ये एक दो बुक ऐसे ही निकालता है तो पूरा ही मतलब फैला देता है। हमेशा मैं बोलती हूँ दवा थोड़ा ठीक करने के लिए, तो करके रखता है, फिर निकल के वैसे ही कर देता है। तो कोई नहीं, मैं इधर इसको बुक्स वगैरह इसका ठीक कर रही हूँ। और बाकी अभी खाना वगैरह बना ही नहीं, बस खाली आटा वगैरह लगा के रखी हूँ। तो अभी इधर झाड़ू पोछा लगा के कमरे की, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं खाना वाला बनाने के लिए। तो इधर जो भी थोड़ा बिस्तर वगैरह मैंने साफ कर दिया और झाड़ू पोछा लगा के फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। तो आज बनाऊंगी दाल। तो दाल को मैं देख रही हूँ, उसमें कुछ है नहीं, कंकड़ पत्थर। तो आज पपीता के साथ दाल बनाऊंगी। तो इधर दाल को अच्छे से धो के फिर मैंने कुकर में चढ़ा दिया और मैं काट रही हूँ पपीता। तो पपीता को मैं आधा ही दूंगी और आधा रखे रहूँगी, बाद में सब्जी बना लूँगी, इसका सब्जी भी अच्छा लगता है। और दाल वगैरह में डाल के खाओ तो वो भी अच्छा लगता है। चावल के साथ भी डालती हूँ कभी कभार, तो वो भी मतलब चावल के साथ भी अच्छा लगता है। तो इधर आधा पपीता लेके इसको छील लूँगी, फिर मैं ये पपीता दाल के साथ ही मैंने चढ़ा दिया। और कुकर में अभी थोड़ा हल्दी और नमक डाल के फिर मैं सीटी लगाऊंगी, हरी मिर्च भी डालूंगी। और ये चावल निकाल ले रही हूँ और चावल को फिर अच्छे से धो के थोड़ी देर के लिए रखूँगी भिगो के। तो एक दो से ढाई गिलास चावल लेती हूँ और उसी में मतलब आज इनको हस्बैंड को मतलब दोपहर में लंच में चावल ही दूंगी, तो इसलिए चावल बना रही हूँ सुबह सुबह। उसके बाद चावल और दाल भी बन गया है और रोटी बनना बाकी है। तो इधर दाल मैं निकाल के रख रही हूँ ठंडा करने के लिए और रोटी बना लेती हूँ इनके नाश्ते में। अभी हस्बैंड को अभी नाश्ता देना है, तो दाल ठंडा करने के लिए रखी हूँ और रोटी बना लेती हूँ। और देवांश आज 3 से 3:30-4 बजे तक आ ही जाएगा, और वैसे 3:30 तक बोले हैं, तो देखो कब तक आता है। उसके बाद मैं खाना उसी टाइम ही थोड़ा गरम गरम उसको बना के दूंगी, रोटी दाल रोटी। और अभी मेरे लिए और इनके लिए बना लेती हूँ। और पपीता और दाल ना थोड़ा चटपटा बनाती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभार ऐसी दाल में कुछ सब्जी वगैरह बनाती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर दाल वगैरह बन गया है, रोटी भी बन गया है, तो इनका अभी टिफ़िन पैक कर, कुछ रोटियाँ मेरे लिए बना के फिर टिफ़िन भी पैक करना है। तो चावल निकल के रखी हूँ ठंडा करने के लिए, फिर टिफ़िन में भी दूंगी ना, तो थोड़ा गरम गरम नहीं डालती हूँ, थोड़ा ठंडा करके ही फिर डालूँगी। तो टिफ़िन वगैरह पैक कर लिया और इधर दाल इतना है। और तो मैं बर्तन कढ़ाई को खाली कर लेती हूँ। तो इधर कढ़ाई को खाली करके फिर गैस चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह मैंने धुल लिया है और बस खाली कढ़ाई है। अब बाकी घर का काम हो गया, बस कपड़े रह रहे हैं। तो आज अच्छा से धूप निकला है, तो कपड़े भी सब भिगोना है।
तो पहले किचन का सब घर काम हो गया और बाकी घर का सुबह ही कर लिया था मैंने झाड़ू पोछा। जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो सोचती हूँ मैं किसी को ना बोलूँ, फिर भी हमारा नंबर जिनके पास रहता है ना तो उनके पास चला ही जाता है, तो फिर बोलते हैं ना फिर अच्छा नहीं लगता है और क्या ही करा जाए। तो इधर मैं खाना वगैरह बना के मैं किचन की साफ़ सफाई हो गई थी, तो इधर मैं गैस सिलेंडर वगैरह जहाँ रखा हुआ है ना, तो इधर मैं ये एक पोछा ले लिया और हाथों हाथ साफ भी कर दे रही, पोछ भी दे रही थी, जैसे कि चावल का डिब्बा वगैरह जैसे साफ कर रही हूँ एक कपड़े से, और बाकी नीचे भी ना पोछा ही लगा दे रही हूँ, सूखा कपड़े से ही पोछा लगा रही हूँ, बाकी ना अगर गीला कपड़े से रखूँगी कर दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वो चिपचिपा रहेगा क्योंकि बारिश का टाइम है और इस बार लग रहा है बारिश ख़त्म ही नहीं होगी, तो धूप भी निकलती है और फिर शाम को बारिश आ जाती है, तो आज तो देखो अच्छा धूप निकला है, तो फटाफट से मैं जितना भी कपड़ा वगैरह है तो मैं धो दूँगी क्योंकि कल धो नहीं पाई थी बारिश के कारण। तो इधर मेरा ये किचन भी अच्छे से साफ हो गया है, तो जो भी कपड़े वगैरह है तो मैंने पूरा निकाल लिया है और सब भिगो